10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है। केजरीवाल सर, आप हमारे यहाँ कर रहे हैं? आप हमारे घर में रहे आके। मेरा घर आपका घर है, मेरे घर में आपका स्वागत है, आप मेरे घर में आके रहे। आप मेरे घर आइए, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। इन दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ज्यादा हलचल देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान और सीएम आवास छोड़ने का मुद्दा सुर्खियों में बना है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल बीते 10 सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का कोई मकान नहीं है। उन्होंने सरकारी आवास का इस्तेमाल किया, लेकिन अपना कोई निजी आवास नहीं बनाया। एक साधारण सा दिल्ली का पार्षद जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो उस 5 साल में वो बड़ी गाड़ियां, बड़े महल, कोठियां, जमीन, जायदाद बना लेता है, और दूसरी तरफ राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, मर्यादा और शुद्धता का उदाहरण है अरविंद केजरीवाल की। 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है। राघव चड्ढा के इस बयान के बाद दिल्ली के लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हैशटैग मेरा घर भी केजरीवाल अभियान शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में अभियान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। राघव चड्ढा के इस पोस्ट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी अरविंद केजरीवाल को अपने घर में रहने का ऑफर दे रही है। मेरा घर आपका घर है, मेरे घर में आपका स्वागत है, आप मेरे घर में आके रहे। केजरीवाल सर, आप हमारे यहाँ कर रहे हैं? आप हमारे घर में रहे आके। आप मेरे घर आइए, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। लोगों का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वो उनके बेटे, बड़े भाई और परिवार की तरह हैं। उनकी नीतियों में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया है। मुफ्त बिजली पानी, महिलाओं को DTC की बसों में मुफ्त यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करना केजरीवाल के फैसलों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद केजरीवाल इन दिनों जनता के बीच जा रहे हैं। वो लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, साथ ही ये बात भी दोहरा रहे हैं कि अगर वो ईमानदार हैं तभी जनता उन्हें दोबारा मौका दे, नहीं तो वो बिना मुख्यमंत्री भी दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए CM की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार। बहरहाल मेरा घर केजरीवाल अभियान केवल भावनाओं पर टिका है या इस जन समर्थन का चुनावी नतीजों पर भी असर होगा? क्या जनता केजरीवाल की पार्टी को फिर से सत्ता में आने का मौका देगी या फिर ये केवल एक भावनात्मक लहर बनकर रह जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए TVNet Digital।